मैं क्या खा रहा हूँ, ये देखो क्या खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ देखो ना। मेरा ही फोन है, फोन है। किधर गया, इसको बुलाओ। तो ये आई रोटी, इसमें घी लगा हुआ है रोटी, और ये मस्त दाल है, और ये सब्जी है। सबसे पहले सब्जी ट्राई करते हैं, जो कि काफ़ी यूनिक लग रही है देखने में। गाड़ी से बैठे बैठे इन बच्चों को देख रहा था, बचपन की यादें आ जाती हैं बच्चों को लेके। ये देखो फुटबॉल खेल रहे हैं, एक इधर बैठा हुआ है, तीन उधर खेल रहे हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आई होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली व्लॉग की सीरीज मैंने स्टार्ट करी है और डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यूएई के अंदर जितने भी दिन मैं रहूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को व्लॉग देता रहूं, और यूएई से रिलेटेड जो भी हमारे साथ होता है या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से देता रहूंगा और वीडियो बनाता रहूंगा डेली। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा कोई ये चैनल नया नहीं है, बहुत पुराना चैनल है, लेकिन कुछ समय से डिसकंटिन्यू था, लेकिन अभी इस चैनल पर मैं दोबारा से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मुझे लगा चाबी भूल गया यार, है चाबी पड़ी है। हवा कम लग रही क्या? नहीं ठीक है, ऐसी लगी रही। अरे यार मैं किसकी गाड़ी, और अरे किसी और की गाड़ी चेक कर रहा हूँ मैं भी यार, मुझे लगा मेरी गाड़ी है। ये है मेरी गाड़ी। बारिश हुई है क्या दोस्तों, देख रहे हो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी लग रही है, उसमें बारिश हुई है। तो उसके लिए पहले हम वो डालते हैं वाइपर, लगता है सुबह ही हुई है बारिश। इस शीशे में पता चल रहा है। चाबी किधर गिरी जा रही है, ये देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि बारिश हुई। ये देखो इसको हटा देते हैं, अभी ये साफ हो गई है। इसको गीले कपड़े से किसी दिन साफ करेंगे, बीच में धुलवाया था लेकिन अभी भी गंदी है। तो भैया आ गए हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन आज ना एक बड़ा अजीब इंसिडेंट है कि जैसे कि मैंने कल शाम को आपको बताया था कि मौसम जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, बारिश होने के आसार हैं, और सुबह बिल्कुल भी धूप नहीं दिख रही यार। ये एक अच्छी खबर है, और काफ़ी लंबे समय से बारिश हुई भी नहीं है। बारिश तब हुई थी जब बाढ़ आई थी यहाँ पे, उसके पहले बाद में कोई बारिश ही नहीं हुई, थोड़ी बूंदाबांदी हुई है। तो बारिश की ज़रूरत है अब लोगों को, गर्मी बहुत झेल चुके हैं, अब बारिश होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो फिलहाल दिन की शुरुआत करते हैं, और आज हम जाने वाले हैं रसल खेमा, तो रसल खेमा का भी ब्लॉग बनेगा, साथ साथ हमारा भी ब्लॉग बनेगा। अगर बारिश हो गई तो फिर उसकी बात ही अलग है। वेट करते हैं, देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी देख रहे हो ऐसा सब रूखा सूखा पड़ा हुआ है, हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है जब एक कलर की सेम गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और नींद में अगर आप आ रहे हो तो मैं अपनी गाड़ी की जगह पर कि भाई साहब की गाड़ी खोलने जा रहा था कि यार मैं सोच रहा था मेरी चाबी से ये मेरी गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है, और मुझे लग रहा था यार इसके पहिए में हवा थोड़ी कम है। जब मैंने ध्यान से देखा आगे जाके, यार ये तो मेरी गाड़ी नहीं है भैया, क्या है, गाड़ी नहीं पहचान पाता अपनी यार। हाथ गाड़ी से बैठे बैठे इन बच्चों को देख रहा था कि इनका जो जीवन है ना बड़ा ही प्यारा होता है, और इन बच्चों को देख के ना अपना बचपन याद आ गया कि कभी ऐसा ही हमारा वक्त होता था, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई होशो खबर नहीं, बस गए खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, खेतों में खेल रहे हैं। तो लोग दुबई में गए, हम लोग खेतों में गाँव में खेलते थे, नहर के पास, नदी के पास, और ये ऐसे मौसम का हमेशा इंतज़ार करते थे जैसा मौसम आज है यूएई का, इतना ठंडा मौसम। तो भाई साहब ये बचपन की यादें आ जाती हैं बच्चों को लेके। ये देखो फुटबॉल खेल रहे हैं, एक इधर बैठा हुआ है, तीन उधर खेल रहे हैं। तू मेरा हीरो, तू 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 हीरो, तुम तू हीरो, तुम तू। हम रसल खेमा ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, और ये जो एरिया है अभी यहाँ का, बहुत ही सुनसान एरिया है, और यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिले। तो गाइस ये व्यू चेक करो, ये है रसल खेमा का एक रेजिडेंशियल एरिया, और यहाँ पे मेरी एक मार्केट थी तो मैं यहीं पे आया था। देखो बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और व्यू चेक करो यार। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ से हो गया हमारा काम ख़त्म,
यहाँ पे आने का बार बार मन करता है क्योंकि काफ़ी शांति है और बड़ा ही रेजिडेंशियल एरिया है, देखने में बहुत मज़ा आता है। और जो लोग यहाँ रहते होंगे ऑब्वियसली उनको और मज़ा आता होगा। तो भाई ये जो लग्जरी लाइफ होती है ना वो इन्हीं लोगों से रिलेट होती है कि ये लोग अपनी लग्जरी लाइफ कैसे जीते हैं। और इसकी एक अच्छी बात है, इसके बिल्डिंग के उस तरफ समंदर है, कॉर्नेस एरिया, तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है व्यू अगर ये लोग रहने वाले हैं, अगर ये देखेंगे और ज़्यादा खूबसूरत लग जाता है। तो भाई भाई ये लोग मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के। तो भाई अभी काम करते करते वक्त हो गया है 4, देखो 4 बज रहे हैं और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। और कुछ ना कुछ खाना ट्राई करते हैं, कुछ खाना वगैरह खाते हैं। काम तो हो गया जो होना था, पानी आ गई खाना ठीक है। आगे एक पंजाबी रेस्टोरेंट है, उसके अंदर दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, एक है छोले भटूरे और एक है आलू टिक्की, दो चीज़ें होती हैं। तो चल के देखते हैं, भाई साहब से पूछते हैं कि क्या बढ़िया रहेगा, क्या बढ़िया है। तो दोस्तों आ गए हैं हम रेस्टोरेंट पे, जिस हम पंजाबी रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे। मैं तो भैया खाना यही खाने आता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा दोस्तों रेस्टोरेंट और इसके अंदर अभी चलेंगे और खाएंगे खाना, मुझे खुद नहीं पता क्या खाना है, चलते हैं। और सब कुछ मिलता है उसके अंदर, छोले समोसे और पराठा, पता नहीं क्या क्या मिलता, सारा कुछ अवेलेबल होता है, काफ़ी कुछ वाइब्स मैच होती है इसके लिए यहाँ पे खाना खाते हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है खाने में। तो फिलहाल हम यहाँ पे बैठे हैं खाना खाने के लिए और इधर कर रहे हैं घर पे फ़ोन, और मोहतरमा जो है फ़ोन नहीं उठा रही हैं, देखते कितना टाइम लगेगा इनको उठाने में। दाल चावल सब्जी यही सब, नॉन वेज खाएँगे नहीं। रात को और कैसे जी आपके साथ राइस मिलेंगे बाद में, ये देखो मिला खाना कहाँ जो। तो दोस्तों ये आया है खाना मेरा, प्याज दाल तड़का सब्जी ये सारा कुछ है। मैं क्या खा रहा हूँ ये देखो, क्या खा रहा हूँ देखो ना। मेरा ही फोन है, फोन है, किधर गया, इसको बुलाओ। तो ये आई रोटी, इसमें घी लगा हुआ है रोटी, और ये मस्त दाल है और ये सब्जी है। सबसे पहले सब्जी ट्राई करते हैं जो कि काफ़ी यूनिक लग रही है देखने में। एक नंबर। दाल ट्राई करते हैं, फटाफट खाते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। भाई फिलहाल खाना खा लिया, खाना खा के आ गए हैं गाड़ी के पास, धूप काफ़ी तेज़ है, अनलॉक करते हैं गाड़ी को, फटाफट गाड़ी के अंदर घुसते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बोले मम्मी पानी का बोतल अभी थोड़ा सा मिला शांति, और खाना काफ़ी टेस्टी और जैसे घर जैसा था, मतलब कि अगर खा लो तो मज़ा आ जाए, जैसे घर में रोटी नहीं होती घी वी लगा के मिलती है वैसा ही था। तो घर की बराबरी तो नहीं की जा सकती लेकिन था कुछ ऐसा ही, मज़ा आया फिलहाल। ठीक है, ये लिया मैंने पानी का बोतल वहाँ से क्योंकि काम आता है फिर रास्ते में, अभी घर निकलेंगे तो वहाँ के लिए काम आएगा। सही है, मतलब ने स्टार्टअप सही लगाया है।
काम आपका चाहे जो भी हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो या फिर आपका सलून हो, लॉन्ड्री हो, कैफेटेरिया हो, एक्सवाइजेड, दुनिया में जितने काम होते हैं उनमें से कोई भी काम हो, अगर आप अपने काम में ईमानदारी रखते हो, बढ़िया चीज़ देते हो लोगों को, अच्छा आउटपुट नज़र आता है लोगों को, मतलब उनको लगता है कि उन्होंने जो भी पैसे खर्च किए हैं वो वेस्ट नहीं गए, तो रिटर्न होता रहता है, कस्टमर रिटर्न होता रहता है। ठीक है, अब मैं उतनी दूर से गाड़ी चला के आता हूँ यहाँ पे खाना खाने, तो कुछ ना कुछ बात होगी ना, तभी तो बंदा आता है। तो भाई मज़ा आया खाना खा के, और फ्री में प्रमोशन कर रहा हूँ, अगर इस कंपनी का कोई आदमी देख ले तो बुला के मुझे फिर से खाना खिला देना फ्री में, ठीक है? मजाक कर रहे हैं। टिफिन के प्राइस इतने ज़्यादा होते नहीं है, और ये लोग दिल के बहुत बड़े हैं। मैं पहले आ चुका हूँ, खा चुका हूँ मस्त, ठीक है, भैया से बातचीत बड़ी अच्छी होती है, तो ठीक है। फिलहाल समय तो हो चुका है, और ये देखो समय 4:55 हो रहा है, घर के लिए निकलते हैं। थोड़ा सा नॉनवेज आजकल बंद है, नहीं खाया जा रहा है, आप सभी को पता है क्यों रीज़न, तो यही है। बाकी जैसे जैसे व्लॉग आपको डेली में इसलिए डाल रहा हूँ कि अभी जब मैं नॉनवेज नहीं बना रहा हूँ तो डेली व्लॉगिंग कर सकता हूँ। अब आप लोग ये सोचना कि जब मैं नॉनवेज बनाने लगूंगा तब डेली व्लॉगिंग कैसी होगी, ठीक है? तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू रखो, देखते रहो, हर चीज़ आपको धीरे धीरे धीरे, जो एक यूएई में बंदा रहता है जिसकी जो लाइफ होती है वो सारी चीज़ आपको वीडियो में मिलती रहेगी, और धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करता रहूँगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जो कि बाहर से नहीं होती, अंदर से होती हैं, तो वो चीज़ होती है। तो आप लोग कनेक्टेड रहो, आप लोगों को भी मज़ा आएगा और मुझे तो मज़ा आएगा ही आएगा, ठीक है? मज़ा आ ही रहा है, व्यूज़ आए ना आए डजंट मैटर यार, कितने व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे आएंगे, और मुझे पता है हमारे इस चैनल पर लोग मुझे निराश नहीं करते, मतलब अगर मैंने वीडियो कंटिन्यू डाला तो लोग देखेंगे, मुझे पता है देखेंगे। तो बस वही उम्मीद से मैं फिर से वीडियो डाल रहा हूँ, और लगातार ये इस महीने के 3 व्लॉग हो गए, 2 दिन बीच में गैप हो गया था, तो अभी कोशिश करेंगे कि गैप ना हो, ठीक है? तो चलो घर की तरफ निकलते हैं, और शाम का क्या सीन बनता है वो देखने को मिलेगा, ठीक है? तो गाइस फाइनली ड्यूटी ख़त्म हो गई है, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मैं अभी जस्ट पहुंचा हूं अमर की दुकान पे, और गाड़ी हमने खड़ी करी है वहां पे, वो देखो जो दिख रहा है छोटा सा जगह, अब यहां से पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी, बस के बाजू में खड़ी करी है, तो यहीं पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं। जैसे कि रूम जो है हमारा, ये जो आपको बिल्डिंग, ये वाली बिल्डिंग इनके पीछे है, इधर आने में टाइम लगता है कम से कम, नहीं तो 15 से 20 मिनट। अमर देखो उधर बैठे तम्बाकू बना रहे तम्बाकू बनाओ। लॉन्ड्री की आयरन की दुकान है, और ये देखो कपड़े यहाँ फैले पड़े हैं। मैं आया थोड़ा सा यहाँ पे, मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, पैरों को थोड़ा आराम दे देता हूँ, फिर चलेंगे रूम पे, नहाएंगे धोएंगे, खाना वाना बनाएंगे, कुछ खाएंगे। और अभी वैसे आप सभी को पता है खाने में चल रहा सन्नाटा, कब कोई आता है कब कोई बनाता है क्या खाता है कुछ पता नहीं, ठीक है? क्योंकि दद्दा अभी घर गए हुए हैं, तो जब वो आएंगे तो सिस्टम से सारा चीज़ होगा, तब तक ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि मैं आता हूँ अभी, बाकी के घर वाले आते हैं लेट, और ये आते हैं 1 बजे। कब जाते हो तुम? वीडियो बड़ा अच्छा आ रहा तुम्हारा। हाँ मर क्या हाल है? अच्छा नहीं है यार, ठंडा के पैसों नहीं तुम्हें लगे, इतनी बड़ी दुकान काहे के लिए खोले हो, दुकान के मालिक बने घूम रहे हो, पैसा नहीं तुम्हें लगे? मालिक ना बनो, नौकरी कर लो, सही है मालिक ना बनो, मालिक तुम भी बन के देख चुके हो, हालत पालू मैं ना, तो तुम ना बनी होगा मालिक यार। ठंडा पानी तुम्हारी गाड़ी में पड़ा है, लेकिन पता नहीं अब कितनी देर से पड़ा होगा, गर्मा गर्म होगा, देखिए अब ही लेना हो मलकोइन में,